छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान ने जहां कांग्रेस को उत्साहित कर दिया है, वहीं विपक्ष हमलावर है। भाजपा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पूरे 5 साल का भत्ता देने की मांग की है, तो सरकार इसे बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक और बड़ा फैसला बता रही है। फिर से वाचन करें कि कांग्रेस पार्टी में यदि थोड़ी सी विश्वसनीयता है, जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है और विश्वसनीय दस्तावेज मानते हैं, तो 17 दिसंबर 2018 से बेरोजगारों को भत्ता दें। अब भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के रहते किसानों को बोनस दे नहीं पाई, किसानों को समर्थन मूल्य दे नहीं पाई, किसी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाई। उनके खुद के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने तो कर नहीं पाया। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी सरकार ने बेरोजगारों के साथ कितना छल किया है।